श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रावला में सरसों की सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। क्रय विक्रय समिति के वरिष्ठ सहायक और खरीद प्रभारी सेल्समैन मामले में लिप्त पाए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पटवारी भी मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों की छत्रछाया में इमित्र संचालकों ने फर्जी गिरदावरी बनाई और व्यापारियों से अधिक मुनाफे कमाने के लिए समर्थन मूल्य पर बेची सरसों। 1058 किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेज से समर्थन मूल्य पर सरकार को बेची गई है सरसों। साथ ही 472 किसानों का रिकॉर्ड भी गायब मिला है। 4 मित्र संचालक रावला और 2 ई मित्र संचालक 2KLD सहित 6 ई मित्र संचालक इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था इन ई मित्र संचालकों की ओर से, तो ये एक बड़ा घोटाला यहां पर सरसों की खरीद में सामने आया है। सरकार को करोड़ों का चूना इस दौरान यहां पर लगाया जा रहा था मित्र संचालकों की ओर से, ये फर्जीवाड़ा करके। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ घड़साना से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, ये एक बेहद बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया है, जहां पर जो है इस घोटाले में सरकार को ही करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, सरकार चाहती है कि किसानों को समर्थन मूल्य में अच्छा लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ई मित्र संचालक अगर बात करें तो जो नुमाइंदे अधिकारी है वो भी इसके अंदर लिप्त है। तो कहीं ना कहीं जो निचले लेवल के जो किसान है, जो कम भूमि है, वो चाहते हैं भी हमें समर्थन मूल्य पर अगर फसल बेचेंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी है जो ई मित्र संचालकों से मिलकर, और काफी व्यापारी ऐसे भी हैं जिनके पास ई मित्र आईडी है लेकिन ई मित्र विभाग है उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो देखा जाए तो दर्जन भर से अधिक रावला और 305 जो धान मंडी है उसके अंदर आईडी चल रही है, तो वही 305 एड के 2 ऐसे ई मित्र संचालक है जो कि कोई भी शोक न होने के कारण वो अपनी ई मित्र को एक अपने खुद के कार्य निजी कार्य में यूज लेते थे, और वही रावला के भी 4 ई मित्र संचालक है जो कि इसके अंदर लिप्त है। तो कहीं ना कहीं जो दोषी है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, और जो किसान इसमें दोषी है जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके या फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के गिरदावरी उठानी चाहिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी पेमेंट को भी रोका जाएगा। तो जहां जो ई मित्र संचालक है उनकी आईडी को निरस्त किया जाएगा और उनको पलंटी और उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। जी बिल्कुल, तो अभी तक मुकेश क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? इसमें अभी तक जो सरकारी कर्मी है क्रय विक्रय समिति के वरिष्ठ सहायक और खरीद प्रभारी वेद प्रकाश और सेल्समैन दिनेश बिश्नोई, प्रबंधक और गिरधारी लाल सारण, कंप्यूटर ऑपरेटर और पटवारी महेश कुमार है वो इस मामले में दोषी है, और वहीं 6 ई मित्र संचालक है जो कि अरुण बिश्नोई रावला से, कीर्तन बेनीवाल 305 से, सुनील कुमार 2KLD से है जो कि एक किसान पैतृक साइट पे कार्य करता है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें अधिकारियों की मिली भगत के चलते ई मित्र संचालकों का ये बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है, और अब ऐसे में क्या कुछ कार्यवाही इन पर की जाती है, क्योंकि 472 किसानों का रिकॉर्ड इस पूरे मामले में गायब बताया जा रहा है।